अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखते होंगे। नहीं भी याद रखते तो भी कोई बात नहीं है। आज की वीडियो मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, एक दफ़ा अनियन की हार्वेस्टिंग और सोइंग का जो सिलसिला मैंने शुरू किया था, उसी की एक कड़ी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक्चुअल में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीमारियाँ और जो पेस्ट है प्याज की हो, किसी भी फसल के हो, वो एक फसल का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर बीमारी ना रुके या पेस्ट ना कंट्रोल हो तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उसकी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाती है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि इसको जो प्याज के जितने मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। तो आज हम डिजीज़ पे बात शुरू करेंगे, आज मैं एक डिजीज़ पे बात करूंगा। तो इंशाल्लाह रोज कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो एक एक डिजीज़ पे बनाई जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम प्यास की जो बीमारियों में से एक बीमारी पे बात करेंगे। वैसे तो प्याज में जो ओवरऑल बीमारियां हैं वो तकरीबन बीमारियां पेस्ट और ये सारे मिला के तकरीबन तकरीबन इसको जो मसाइल आते हैं वो 50 से 55 के लगभग हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। तो हम उनको छोड़ के जो स्पेसिफिक जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं या एशिया के इशूज़ हैं, इंडिया में आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं जो मसाइल, उन इशूज़ पे इंशाल्लाह मैं बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा वो इशूज़ उनको हाईलाइट करें। तो आज एक इशू को लेंगे और उस पर बात करेंगे। आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो प्याज में मेजर जो बड़ा मसला है जो जिम्मेदार को बहुत ज़्यादा इशू है, जिम्मेदार को इसके बारे में ज़्यादातर पता भी है लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, वो है जी अनियन की बीमारी डाउनी, जिसे डाउनी मेल्डियो कहते हैं और जिम्मेदार उसे डाउनी के नाम से पहचानता है या इसे बहुत सारे मुख्तलिफ नामों के से वो लोकल नामों से भी जानता है, उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी पहले इसकी रीजन से कि ये बीमारी आती क्यों है, वाई क्यों ये बीमारी क्यों आती है। इसमें बहुत सारे रीजन्स इन्वॉल्व हैं, तो जो मेजर रीजन इन्वॉल्व है वो है कि आप जब एक एरिया में एक ही प्लांट को, एक ही क्रॉप को बार बार सो करते हैं, बार बार सो करते हैं और उस इलाके में या उस प्लॉट पे या जिस जमीन पे आप उसे वॉश कर रहे हैं उस इलाके में से उस क्रॉप को आप स्किप नहीं करते, जब सीजन आता है तो तब उसी को दोबारा काश करते हैं, तो उस एरिया में उस बीमारी का होस्ट आना शुरू हो जाता है। आपने स्पेशली जिम्मेदार भाइयों ने ये बात नोट भी की होगी कि जब आप किसी नई क्रॉप को जो आपने एक इलाके में काश ना की हो, जब आप उसे काश करते हैं, उसे एरिया में लगाते हैं, तो आपने फील किया होगा, बल्कि नोट किया होगा, और बहुत सारे फार्मर्स ने तो बाकायदा ये मुझे खुद बताया कि भाई पहले साल में बीमारी नहीं आती, पहले साल में बीमारी नहीं आती, दूसरे साल में भी बीमारी नहीं आती, या समझ लें कि दूसरे साल में थोड़ी बहुत कहीं कहते नजर आना शुरू हो जाती है, तीसरे साल में कहते हैं जी प्रोडक्शन में बहुत कमी आ गई और बहुत बीमारी बढ़ी आई है। रीजन क्या होती है? रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग क्रॉप रोटेशन नहीं, क्रॉप रोटेशन में हम जिम्मेदार को यही बात समझाते हैं कि आपने एक क्रॉप का 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, उसके बाद मत लगाए उस एरिया में, कोशिश करें 2 साल का गैप दें उस एरिया में, उस जगह में उस क्रॉप को नकाश करें, ताकि उस एरिया में उसका जितना भी पेस्ट है, जितनी भी डिजीजेस के होस्ट हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं या कहीं और मूव कर जाएं। जब उन्हें अपना होस्ट नहीं मिलेगा, या तो जिनको अपना होस्ट नहीं मिलेगा, बीमारी को अपनी परवरिश के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जब कंटिन्यू रखते हैं तो वो हर साल वो बीमारी बार बार उस एरिया में पलती रहती है, और पलने का नुकसान क्या होता है, वो फिर वो इस हद तक बढ़ जाती है कि फिर हमसे कंट्रोल नहीं होती। सबसे बड़ी मेन वजह हमारी क्रॉप रोटेशन नहीं है। फिर आती किन वजूहात पे है, जब आ जाती है, देखिए बीमारियां, बीमारियों के पैथोजन तो ये समझ लें कि हमारे हवा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से आ ही जाते हैं, तो डाउनी के भी पैथोजन आ जाते हैं, मैं इनकी नाम लेने की जरूरत ही नहीं कि किस पैथोजन की वजह से आते हैं, जिम्मेदार को इससे कोई कंसर्न नहीं है।
जिम्मेदार कहता है मुझे रिजल्ट दो और मुझे मेरे अपनी बीमारी का पता होना चाहिए कि ये बीमारी आई है मुझे इसके लिए क्या चाहिए। बीमारी पे बात करते हैं तो डाउनी क्यों आती है और किन दिनों में आती है। देखिए डाउनी ज्यादातर जब अटैक करती है तो वो जिन दिनों में टेम्परेचर कम होता है, आपका टेम्परेचर ये समझे कि जब आपका दिन का टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरनहाइट होता है, उन दिनों में इसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और साथ में उसे जब वेट कंडीशंस मिलती हैं, जब मॉइस्चर होता है और रेनी कंडीशंस होती हैं, तो उन दिनों में इसे और आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपका दिन का टेम्परेचर ज्यादा हो और रात का कम हो, उसमें डिफरेंस ज्यादा हो, दिन के टेम्परेचर ज्यादा हो और रात का कम, तब भी डाउनी के आने का चांस ज्यादा होता है। तो ये तो उसके आने के रीजंस होंगे। हम अक्सर जिम्मेदार से बात करते हैं कि जब भी आपकी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद, जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद आपने एक दफा लाजमी फंजीसाइड की स्प्रे करनी है। कोई भी फंजीसाइड ले आया करें, उसको हल्की सी डोज के साथ पूरी खेत में स्प्रे कर दिया करें, क्योंकि बारिश के साथ बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ पैथोजेंस के, मुख्तलिफ बीमारियों के जो स्पोर्स होते हैं वो आपकी फसल में आ जाते हैं। आपकी फसल पर अटैक तो नहीं करते लेकिन आ जाते हैं, जब उन्हें चांस मिलता है, आपके पौधों के अंदर कोई कमजोरी नजर आती है उस पर अटैक कर जाते हैं। तो इवन के ये समझ लें कि आपके जो क्लाउड्स हैं या आपके जो बादल हैं वो भी इसका जरिया बन सकते हैं, इनके स्पोर्स को मूव करने का। ये भी साबित है कि भी वो बादलों के साथ भी मूव कर सकते हैं और बादलों के साथ जिस पानी उपार है उसमें भी इनके स्पोर्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ रीजंस, मौसम जैसे ठंडा होता है और आपको उसमें मॉइस्चर फील होता है और आपको जब आपके पत्तों पर सुबह मिलती है, तो ये समझ ले कि ये डाउनी के अटैक के बहुत अच्छे मौके हैं, वो अटैक करेगी इन दिनों में। अब मेजर क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो शुरू में नजर आना शुरू, आपको पौधों में क्या नजर आएगा जिसमें डाउनी हमेशा जो है ना वो ओल्डर लीव्स पे ज्यादा अटैक करती है, जो आपके पौधे के अंदर जो पुराने पत्ते होते हैं उस पे अटैक ज्यादा करती है। तो आपके पुराने पत्तों के ऊपर जो है ना कुछ अजीब किस्म के ना स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्पॉट्स ऐसे होते हैं, एलॉन्गेटेड शेप में होते हैं, ऐसे लंबे लंबे स्पॉट्स बनने शुरू होते हैं। मैं उन तस्वीरें साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, आप उन तस्वीरों को देख के भी अंदाजा लगाते जाएंगे कि ये इसकी शक्ल कैसी होती है। ठीक है, तो वो भी मैं साथ में शेयर कर देता हूं। अच्छा, डाउनी के जो पहले सिम्टम्स हैं वो एक्चुअल में क्या नजर आते हैं, वो आपको ऐसे है ना कि जैसे आप पत्ते के ऊपर आपको ना वेलवेट टाइप का ना स्पोर्स नजर आएंगे, वेलवेट नहीं थे, वेलवेट वेलवेट टाइप की आपको ना स्पोर्स मिलेंगे पत्तों के ऊपर, ब्राउनिश कलर में, भूरे रंग के जो आपको ना स्पोर्स मिलेंगे, वो पत्ते के ऊपर एक लेयर बनी होती है। ये जो है ना ये इनिशियल इसकी जो है ना फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ये जो ब्राउनिश स्पोर्स जिस लीव पे होंगे, ज्यादातर वो हेल्दी लीव्स होती है, उनका कलर कुछ टाइम बाद जो है ना हल्का सा येलोइश कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं, हल्के से येलोइश कलर, मतलब आम ग्रीन लीव से जो हेल्दी लीव्स हैं उनसे इनका कलर थोड़ा सा आपको लाइट नजर आएगा और पैचेस में नजर आएगा, पूरी लीव नहीं होगी, जहां जहां अटैक हुआ होगा वो एरिया आपको पेल येलो में नजर आएगा, आपको ग्रीनिश हल्का लाइट ग्रीन कलर में नजर आएगा। उससे क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं जितने जितने पुराने होते जाएंगे, ये जो लीव के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको डैमेज कर देते हैं और डैमेज होने के बाद उनकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा पत्ता भी कोलैप्स कर जाता है और कभी कभी वो पत्ता जो है ना वो जो लीव्स इसके खराब होते हैं वो ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्राउन हो जाते हैं। तो ये तो इसके स्टेजेस हैं जब ये अटैक करते हैं। इस तरह की बहुत सारे और भी डिजीजेस हैं जिनकी शक्लें इनसे मिलती जुलती हैं, आप में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन अगर वो फंगल है तो आपके जितने भी फंजीसाइड्स हैं वो मैक्सिमम उन पे एक दूसरे पे काम कर जाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि डाउनी को आपने कैसे समझना है। आपने शुरू में आपको जब पौधे हेल्दी होते हैं, आप बारिश के बाद जाए अपने पौधों के अंदर 1-2 दिन बाद विजिट करें, हर रोज विजिट करें और देखें कहीं आपको ये वेलवेट टाइप की ब्राउनिश स्पोर्स तो कहीं आपको पत्तों में नहीं नजर आते। पत्तों जिम्मेदार को पता चल जाता है, वो कहते हैं यार काले भूरे रंग के जो है ना उसके ऊपर पाउडर पाउडर टाइप का कुछ पड़ा हुआ है या वेलवेट पड़ी हुई, ये उनको पता चल जाता है। ये जो है ना ये इनिशियल कंडीशन थी, आप इसी टाइम पे आपने स्प्रे करने हैं ताकि स्पोर्स
आगे मसले बढ़ाने से पहले पहले आप उनको डेड कर लें, ठीक है। फिर जब वो लीड कंडीशन में अक्सर चले जाते हैं तो आपको पौधों के कलर्स में फर्क नजर आ जाता है। आप खेत को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि कहीं से जो है ना उसमें कलर्स में फर्क है, तो जब वो नजर आता है तो आपको सेकेंड उसकी कंडीशन नजर आ जाती है कि भैया ये तो अटैक हो चुका है और पत्तों के अंदर जगह हो चुका है। अब ये जितना लेट होता जाएंगे उतने उसकी कंडीशन वर्स होती जाएगी, ठीक है। तो ये तो उसकी थे सिम्टम्स हमने जो नाम में नजर आएगा। अच्छा, डाउनी जो है ना ये कभी भी पूरे खेत पे आपको इकट्ठी नहीं नजर आएगी, ये पैचेस में अटैक करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन पूरे के पूरे खेत में इन्फेक्ट कर देती है। तो कभी भी ये आपको हर पौधे पे नहीं नजर आएगी, जहां ये अटैक करेगी वहां ये पैचेस बनाती है, उस एरिया के इर्द गिर्द जितने पौधे होते हैं उनको पहले इन्फेक्ट करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक और भी बात है जिसका आपने ध्यान। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो हमने ध्यान देना है, जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि बारिश के बाद आपने लाजमी ख्याल करना, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको जैसे ही मौसम ठंडा होगा आपको ये स्पोर्स इनकी नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपको पौधों के अंदर डाउनी के अटैक नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अटैक नजर आना शुरू होते हैं, अगर इसके दौरान में कहीं बारिश हो जाती है तो बारिश के साथ ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल 95 से ऊपर जाएगा, 95% से ऊपर जाएगा, तो इनके अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए एक बहुत सुटेबल कंडीशन बन जाती है डाउनी के अटैक के लिए। तो स्पेशली उस टाइम बहुत ख्याल करना है और उस वक्त फंजीसाइड के स्प्रे नहीं मिस करें, ठीक है। हम कंट्रोल की तरफ अब जाएंगे, हम कंट्रोल में क्या करेंगे, कंट्रोल में क्या चीजें करनी चाहिए। अच्छा जी, कंट्रोल पे बात कर रहा था कि जो पहली कंट्रोल है वो आपकी जो ना बेसिक कंट्रोल है वो यही है कि आपने क्रॉप रोटेशन करनी है, और जिस एरिया में एक दफा बीमारियां बढ़ जाती हैं उस एरिया में कम से कम 3 से 4 सीजन, 3 से 4 साल तक आपने कोशिश करनी है कि वहां दोबारा उस फसल को काश नहीं करना। अगर ये नहीं करेंगे तो ये बीमारियां आपके कंट्रोल से और हमारे कंट्रोल से बहुत दूर चली जाएंगी, हम फिर नहीं कंट्रोल कर सकते इनको। जो दूसरी बड़ी बात है, जब भी आपके बारिश होती है या आपको नजर आती है इसकी इनिशियल फर्स्ट है, तो कोशिश करें बेहतरीन फंजीसाइड अवेलेबल है, मैं लिस्ट वो भी देता हूँ कि कौन कौन से अवेलेबल है उस पर बात करते हैं। आप फंजीसाइड का स्प्रे जितनी जल्दी हो सकता है उसको करें, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं, उसको कभी भी मिस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये जो इनिशियल कंडीशन होती है, अगर आप इसको उसी वक्त फंजीसाइड से कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ने से रुक जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, आप जब आप प्लांट्स को ट्रांसफर करते हैं, जब आप पौधों को ट्रांसफर कोशिश करें करें, कमजोर पौधों को मत ट्रांसफर किया करें, तो उनको अवॉइड किया करें ताकि ये मसले आगे ना बढ़े। चौथी जो बड़ी बात, जब भी आप पनीरी की मुंतकली करते हैं, जब भी आप पनीरी की मुंतकली करते हैं तो पनीरी को कोशिश किया करें किसी अच्छे से फंजीसाइड में डिप करके लगाएं, ताकि बहुत सारे मसाइल उसके जड़ के थ्रू से आते हैं वो ना आए, ठीक है। तो वो बहुत सारी बीमारियां उससे भी कंट्रोल हो जाती हैं, ये डाउनी में तो नहीं लेकिन और बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। तो हमेशा आपने जब भी नर्सरी को शिफ्ट करना है तो उसको किसी अच्छे से फंजीसाइड में डिप करके उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, ये लाजमी करना है। दूसरा, हमेशा हवा के रुख में अपनी जमीन को काश करें, जहां जिस तरफ से आपकी हवा चलती है आपके रोज का आपकी जो लाइनें हैं, जो आप जिस आपकी जो बता रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि उनमें से हवा का गुजर तेजी से होता हो, जितना उनमें से हवा का गुजर अच्छा होगा उतना उसके ऊपर बीमारी का अटैक कम होगा। और एक और भी बात कही जाती है कि आप कोशिश करें कि रे जो जो फार्मर्स हमारे पाकिस्तान में तो ये सब कम ही हैं, बड़े फार्मर्स करते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है स्प्रिंकल इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन को अवॉइड करें, क्योंकि स्प्रिंकल इरिगेशन से फरो इरिगेशन जो है वो बेहतर है अनियन की बीमारियों में, ठीक है। तो ये कुछ इसके कंट्रोल थे, केमिकल कंट्रोल की तरफ भी जाते हैं, केमिकल कंट्रोल की